हेलो जी, तो आज है मेरा वेट लॉस जर्नी का फिफ्थ डे। तो वेट लॉस जर्नी के फिफ्थ डे की शुरुआत कर रही हूँ मैं गर्मा गर्म पानी से। तो मैं ये गर्म गर्म पानी पहले पी लेती हूँ। आज तबीयत भी फिर से ख़राब है, गला बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन बुखार नहीं है, जुकाम भी नहीं है, बहुत कम है बस, लेकिन गला खराब है। तो मैं गरम गरम पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको लेके चलती हूँ सदर बाज़ार। तो सदर बाज़ार में देखते हैं क्या कुछ खास आया हुआ है करवा चौथ के लिए। तो फिर आ गई हूँ मैं फिर से खिड़की के पास, क्योंकि यहाँ से अच्छी लाइट आती है तो बढ़िया लगता है एकदम, और बाकी घर के अंदर काला काला सा दिखता है, चाहे कितना भी लाइट जला लो लेकिन वो वाला लुक नहीं आ पाता जो डे लाइट के अंदर आता है। तो चलिए मैं ले आई हूँ अपना नाश्ता। तो आज नाश्ते में है कुकुम्बर सैंडविच और एक कप चाय, वो भी मसाले वाली नमक डाल के। मैं मसाले वाली पी रही हूँ मेरे गले की वजह से नमक डाल के, बाकी आप विदाउट मसाला पी सकते हो, नहीं अच्छी लगती तो आप नारियल पानी या ब्लैक कॉफ़ी टाइप्स इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, नाश्ते में मैं खा रही हूँ कुकुम्बर सैंडविच। और आज का दिन का हाल बताऊँ आपको, आज दिन बहुत सुहाना सा है, हल्की सी धूप है, बिल्कुल छाँव छाँव सी है, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा सा। तो चलिए नाश्ता करके मैं चलती हूँ मार्केट और आपको दिखाती हूँ आज संडे सदर बाज़ार में क्या क्या मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ सदर बाज़ार, ये है हिडन मार्केट, यहाँ की ग्रीन मार्केट, ये 11-12 नंबर गली में आपको इस तरह की ड्रेसेस मिल जाएंगी 500-700 की रेंज के अंदर। ये सब 700-700 की रेंज के अंदर हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर आपको लहंगा ड्रेसेस मिल जाती है, बहुत ही प्यारे प्यारे लहंगा ड्रेसेस होते हैं और बहुत ही कम प्राइस के अंदर। अगर आप हैवी लेना चाहते हो, ब्राइडल वेयर के लिए भी आप लेना चाहते हो तो भी आपको मिल जाएंगे। अभी करवा चौथ आने वाला है, उसके लिए भी यहाँ पर सूट्स वगैरह आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 700 की रेंज में। तो काफ़ी अच्छी मार्केट लगती है, तो आप भी जाइए और यहाँ से लीजिए, ये सब हज़ार रुपये के अंदर है। सदर बाज़ार में ग्रीन मार्केट लगती है 11 नंबर गली में, ये उन्हीं के अंदर ही आपको मैं अयुब भाई थे उनकी शॉप दिखा रही हूँ, इनके पास ये हज़ार सेल वाले आपको लहंगा और ड्रेसेस मिल जाएंगी। अगर पार्टी के लिए अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो बिल्कुल आप जा सकते हो, इसीलिए मैं मार्केट जाती हूँ। और इसकी वीडियो के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मेरी वीडियो देख लेना दूसरे चैनल पे और उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए चलते हैं वापस घर पे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मुझे मार्केट में और बहुत भीड़ है। तो हेलो गाइस, तो मैं आ गई थी मार्केट से 1 बजे। तो 1 बजे आके मैं जल्दी से नहाई, फिर से थोड़ा सा मैंने बैठी, पानी वानी पिया, फिर उसके बाद मैं अपने फ्रूट लेके आ गई हूँ। तो मार्केट की वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी, बीच में ही चला दूंगी, तो आप देख लेना। मैं सदर बाजार गई थी और क्या हाल है वहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब इतनी भीड़, इतनी भीड़ के बस पूछो मत। उसके अंदर सदर बाजार में ही है ना एक हिडन मार्केट लगती है, ग्रीन मार्केट, उसमें बहुत ही मतलब डिज़ाइनर लहंगे आपको मिलते हैं बहुत ही कम कम प्राइस के अंदर। तो वो मार्केट भी मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूंगी उसमें, तो अगर आपको जाना हो तो बिल्कुल जा सकते हैं। बाकी मैं एक लिंक दूंगी आपको जो मेरे दूसरे चैनल का है, तो अगर आपको मार्केट की वीडियोस देखनी है तो आप उस पर जाके देख सकती हो, उस चैनल को आपको लेकिन सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं अपना फ्रूट खा लेती हूँ पहले मैं। तो आज फ्रूट में है एप्पल और जो क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं यार ये क्या नाक होती है, नाक बोलते हैं ना इसको, छोटा सा होता है, अच्छा होता है लेकिन ये, तो ये मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं लेके आती हूँ, वो खाऊंगी और एप्पल खाऊंगी। आपको है ना मेरी वीडियो में थोड़ी सी आवाजें सुनाई देंगी, जैसे बाइक की आवाज, स्कूटर की आवाज, हॉर्न की आवाज, इस तरह से आवाजें आएंगी, तो उसको है ना प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि जो मेरा घर है मेन मार्केट के अंदर है तो इस तरह की आवाजें आती रहती है, पूरी मार्केटिंग मार्केट है। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, पूरी मार्केट है, तक गंद मचा हुआ है, कूड़े वाला आई नहीं रहा सफाई करने, इस तरह की आवाजें आती है। हॉर्न वॉर्न की तो आवाजें आएंगी आएंगी, कबाड़ी की आवाज आएगी, झाड़ू वाले की आवाज आएगी, पोछे वाले की आवाज आएगी, सब तरह का बंदा इस मार्केट में घूमता रहता है, क्योंकि प्रॉपर मार्केट है इस वजह से। तो इसलिए जो मैं आवाजें आती, ये देखो जो आवाजें आ रही है ना मेरे को, तो गुस्सा आ रहा ऐसे वाला, तो ये आवाज़ों को है ना इग्नोर करना, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता, मैं कितनी भी देर रुक जाऊँ ये आवाज़ें आनी आनी है मेरी वीडियो के अंदर। ये देखो कितनी जोर,
ऐसी आवाज आती है, इतनी अजीब अजीब सी आवाज आती है। कोई बाइक स्टार्ट कर रहा, कोई स्कूटर, कोई वो छोटा हाथी होता है वो स्टार्ट कर रहा है, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं वीराने में रहते हैं और थोड़ा सा वो होता है, आवाज़ें आती है। लेकिन मंडे वाले दिन एकदम शांत लगता है, लगता है यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, सिर्फ हम ही रहते हैं, बिल्कुल शांत माहौल होता है मंडे वाले दिन। चलो बाद में बात करेंगे इस बारे में। बाकी मैं अपने फ्रूट्स अभी खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मेरे को बनाना है लंच, और लंच में आज मेरे क्या है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में लंच के अंदर। चलिए, तो गाइस दिन के बज गए हैं 2:30 और मेरा लंच टाइम हो गया है। लंच मैंने बना लिया है, लंच में सीधा सिंपल सा खाना है बिल्कुल, क्योंकि मुझे लंच में दही भी खाना था लेकिन मेरे गले की वजह से मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो सिंपल सी रोटी और सब्जी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लंच में है एक फुलका भिंडी की सब्जी और खीरा, बस ये मेरा लंच है। इसके साथ मुझे छाछ या दही लेना था लेकिन मैं गले की वजह से नहीं ले पा रही हूँ। तो अगर आप लंच में ये खाते हो तो आप इसके साथ एक कटोरी दही ले सकते हो, एक ग्लास छाछ ले सकते हो, कुछ भी दोनों में से आप ले सकते हो। तो मैं अपना लंच इंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपको चाय पे, शाम की चाय पे। तो चलिए अभी मैं अपना लंच करती हूँ। और भिंडी की सब्जी है, बिल्कुल सिंपल सी है, कोई प्याज नहीं, कोई कुछ नहीं, जीरे का छौंक लगा के और मैंने जल्दी जल्दी भिंडी की सब्जी बना के तैयार कर लिया। बाकी एक फुलका है जो कि बिना घी का है, और एक खीरा है छोटू सा, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं है खाने का, एकदम गले में थोड़ा सा है ना, खराश भी है, तो इसलिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं खा लेती हूँ क्योंकि थोड़ी सी दवाई भी लेनी है और थोड़ी जान भी तो होनी चाहिए शरीर में, तो वही है, इसीलिए मैं ये खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ शाम की चाय पे। अब छुट्टी मिली है, भाई किचन से निकली हूँ, अब बच्चे 2 हों चाहे 4 हो, खाना सबके लिए अलग अलग बनता है। एक को फ्राइड राइस खाने हैं, एक को एग करी खानी है, और बचे हम 2 मियाँ बीवी, हमें कुछ भी खिला लो, बट मैं भी क्यों वो करूँ, मेरे को मेरा जो मेरा डाइट डिनर चाहिए वो ही मैं करूँगी ना। मैंने भी अपने लिए कुछ बना लिया और हस्बैंड ने एग करी खा ली, तो मैंने अपना डिनर बना के रेडी कर लिया और शाम की चाय स्किप कर दी थी क्योंकि घर में कोई आ गया था, फिर उसके साथ मुझे चाय पीनी पड़ी, तो इस वजह से मैंने शाम की चाय स्किप कर दी थी, मतलब आपको दिखाने के लिए स्किप कर दी थी। वैसे मैंने पी थी शाम की चाय, ऐसी बात नहीं है, मैंने पी थी, बस चाय पी है और कुछ नहीं। और अब मैंने जल्दी से डिनर बनाया, वो गए हैं 8 बजे, फिर जल्दी जल्दी मैंने डिनर बनाया, बच्चों के लिए मैंने फ्राइड राइस बनाए और एग करी बनाई, कल आप भी बहुत दर्द है, और अपने लिए भी मैंने डिनर बना के रेडी कर लिया, सबको खिला के अब मैं खुद खा लूँ। तो चलिए मैं अपने डिनर में दिखा देती हूँ मैंने क्या बनाया है। तो आज मेरे डिनर में है चने की सब्जी, सैलेड और जवाहर की रोटी। ये एक फुलका बनाया मैंने जवाहर का, वाइट वाले चने हैं जो बॉइल्ड रखे थे मेरे पास, मैंने उन्हीं को थोड़े से मसाले के अंदर भून के एकदम चटपटा सा बना लिया, क्योंकि गले को थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने फिर वही बना लिया। तो चलिए मैं अपना डिनर करती हूँ और फिर कल से शायद मैं अपना योगा और एक्सरसाइज शुरू करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, हाथ पैरों में जान है, नहीं तो पूरा दर्द हो रहे थे बहुत बुरी तरीके से। अब गला है थोड़ा सा, बस गला धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना डिनर करती हूँ, और आप भी अगर डिनर कर रहे हो तो डिनर कीजिए, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। हमारा डे रहेगा वो 6, ऐसे आवाज आती है हमारे यहाँ तो गुस्सा पर, कभी स्कूटर कभी बाइक से चलती रहती है, इस तरह की आवाज़ें आती है, इसलिए बड़ा वो होता है कि कहाँ जाके बनाऊँ मैं अपना ब्लॉग। तो चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे कल, ठीक है, फिर कोई जा रहा है तो बाय बाय, गुड नाइट।